हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पिछली वीडियो में हम फंक्शनल नॉन फंक्शनल के बारे में जो पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ब्लैक बॉक्स टाइप की टेस्टिंग क्या होती है और इनके ऊपर ही कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन हैं इंटरव्यू में आपको कैसे पूछे जा सकते हैं मॉडिफाई करके, तो वो हम पढ़ेंगे। और फंक्शनल के जो ब्लैक बॉक्स के जो मेन पार्ट है फंक्शनल हो गया, इंटीग्रेशन, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन, नॉन इंक्रीमेंटल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाइट बॉक्स से। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आखिर में होती क्या है? कोई भी डेवलपर है, डेवलपर कोई भी कोड लिखता है, कोड लिखने के बाद उसको टेस्ट करता है खुद से। ठीक है, खुद से टेस्ट करता है ईच एंड एवरी लाइन, ये ध्यान में रखना है। एक हर एक लाइन को वो टेस्ट करता है कि वो चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या लॉजिक लिखा है उसके पीछे। तो वो सब ब्लैक व्हाइट बॉक्स के अंदर आती है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। खुद से करने के बाद वो आपको वो प्रोडक्ट देता है, मतलब वो बिल्ड देगा और उसके ऊपर आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बन के आता है कि सबसे पहले कौन सी टेस्टिंग स्टार्ट होती है, वो होती है व्हाइट बॉक्स, जो कि डेवलपर करता है, टेस्टर नहीं करता है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, सॉरी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? ब्लैक बॉक्स में क्या है कि आपको सब कुछ पता है फंक्शनल क्या क्या होने चाहिए, फंक्शन हमारी जो एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, सॉफ्टवेयर हमारा बिल्ड हो रहा है जो बन रहा है, उसके क्या क्या फंक्शन होने चाहिए उससे। जैसे कि कोई कॉलिंग का सॉफ्टवेयर है, उसमें नंबर एंटर होना चाहिए, कॉल वॉल लगनी चाहिए, डिस्कनेक्ट होना चाहिए, वॉइस आनी चाहिए। तो उस तरीके से हम कोई भी एग्जांपल लेके मान सकते हैं, शॉपिंग का भी हम मान सकते हैं, आइटम सर्च होना चाहिए, ऐड टू कार्ट होना चाहिए, बाय होना चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। अब फंक्शनल में भी आगे दो टाइप होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में अगर दो मॉड्यूल है, दो मॉड्यूल का आपस में इंटरकनेक्शन है या नहीं, मान लो यूजर ए है यूजर बी है, तो ए यूजर ने बी यूजर को पैसे भेजे हैं, तो बी यूजर ने रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं, और ए यूजर से पैसे कट गए हैं उसके पास भी मैसेज आना चाहिए। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी को इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इंटीग्रेशन का सिनारियो हम देख लेते हैं एक बार। लोग जैसे ए ने अमाउंट ट्रांसफ़र किया, मैंने जैसे बताया 100 रुपये, और बी ने रिसीव कर लिया, सेम सिनारियो। एक सेकेंड सिनारियो उसके इसमें आता है कि 100 रुपये उससे कट गए हैं। ठीक है, तो ये इसके दो तीन सिनारियो बनते हैं। हम आते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। इंटीग्रेशन में भी तो टाइप्स होते हैं, जैसे इंक्रीमेंटल, नॉन इंक्रीमेंटल, और फर्दर इंक्रीमेंटल को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, टॉप डाउन इंटीग्रेशन एंड बॉटम अप इंटीग्रेशन। अब टॉप डाउन इंटीग्रेशन में क्या होता है? टॉप डाउन इंटीग्रेशन में होता है कि सबसे पहले हम पेरेंट को टेस्ट करते हैं, उसके बाद चाइल्ड का इंटरकनेक्शन देखते हैं, फिर चाइल्ड 2 का, और जैसे अगर कोई चाइल्ड 3 होगा उसका देखेंगे, चाइल्ड 4 होगा उसका देखेंगे, 5 दे होगा। तो सबसे पहले मतलब फर्स्ट नंबर पे पेरेंट, देन चाइल्ड, 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 चाइल्ड। ठीक है, बॉटम अप इसका एकदम रिवर्स है, आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। आपको क्या करना है, सिर्फ रिवर्स है। सबसे पहले जो चाइल्ड 2 लास्ट वाला होगा, अगर 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। ठीक है, 4 3 2 1 देन पेरेंट, ये आपको याद रखना है। इससे क्या होता है कि मॉड्यूल्स जो ऐड होते चले जाते, पेरेंट के नीचे चाइल्ड, 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 देन और चाइल्ड के नीचे पेरेंट आता है, तो वो सब बॉटम अप में आता है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं तो नॉन इंक्रीमेंटल में पढ़ेंगे क्या। नॉन इंक्रीमेंटल में क्या होता है, डाटा फ्लो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब चाइल्ड, जैसे आपने अभी इंक्रीमेंटल पढ़ा तो उसमें क्या है, सीरीज में डाटा होगा, सबसे पहले चाइल्ड होगा या तो फिर पेरेंट होगा, या फिर पेरेंट ऊपर होगा स्टार्टिंग में और चाइल्ड नीचे होगा, मतलब एक सीरीज में डाटा है। इसमें क्या है, कोई सीरीज में डाटा नहीं है, कहीं भी डाटा फ्लो कर रहा है, किधर से भी किधर जाके मिल रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है डाटा, इस बिल्ड से यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इस मॉड्यूल से यहाँ जा रहा है, इस मॉड्यूल से यहाँ जा रहा है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का जो मॉड्यूल होता है उसको नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन में टेस्टिंग में आता है। ठीक है, और ये भी नहीं पता कि हु इज़ पेरेंट, हु इज़ चाइल्ड, मतलब कौन सी जो मॉड्यूल है वो चाइल्ड है, कौन सा मॉड्यूल पेरेंट है, ये भी उसका भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, इसको बिग बैंग मेथड भी कहते हैं कई बार। ठीक है, इसमें क्या है, बग फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं और बग्स भी ज़्यादा आते हैं इसमें। तो ये सब नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आता है। देन आते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में। ग्रे बॉक्स में क्या होता है,
ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कंबाइन कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉक्स का व्हाइट बॉक्स का, जैसे कि ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है, जैसे किसी टेस्टर को कोडिंग भी आती है वो कोडिंग के अंदर भी देख सकता है कि भैया तुमने क्या लॉजिक लिखा है, तो उसको मैं ज़रा टेस्ट कर लेता हूँ अपने, मतलब उसको रीड कर लेता हूँ, उसको टेस्ट कर लेता हूँ तुमने सही लिखा भी है या नहीं लिखा है। तो वो एक थोड़ा सा हाई लेवल के जो टेस्ट केसेस होते हैं वहाँ पे बनते हैं, उसको वो टेस्ट करता है। तो ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर को भी चेक करता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, डिपेंडेंसी किस मॉड्यूल की किस ऊपर बनाई है, वो सब सब इसमें चेक होती है। जैसे डाटाबेस टेस्टिंग इसका एक फेयर एग्जांपल है। अब बात आते हैं आप पे, तो कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वो पूछ सकते हैं कि टेस्टिंग में सबसे पहले कौन सी मेथड प्रेफर्ड किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर ये हो सकता है स्टार्ट, आप टेस्टिंग स्टार्ट कब कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन होता है दो मॉड्यूल हैं ए और बी, ए हैज एंड टू बिल्ड बी देन हैड टू बिल्ड बट आई नीड टू टेस्ट बी बट हाउ कैन आई डू इंटीग्रेट टेस्टिंग फॉर बी। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ए मॉडल है बी मॉडल नहीं है, तो उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ इतना जवाब देना है कि मैं बी मॉड्यूल का एक डमी बना के उसको चेक कर सकता हूँ। तो ये इसका आंसर है। और इसमें जो आपको वी वी मॉडल दिख रहा है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे मॉडल के बारे में, कितने टाइप के मॉडल होते हैं, वी मॉडल, स्पायरल मॉडल, बोम्स मॉडल, तो ये सब मॉडल होते हैं, आगे पढ़ेंगे आराम से। अभी इस पार्ट में इतना ही है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते। और अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्लो लगती है तो आप यूट्यूब की जो प्लेयर की सेटिंग है उसको 1.25 पे देख सकते हो, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आराम से, आप उसको, आपको लगेगा जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ और आपको सही भी लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।